हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईटी परवेज। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की मैं स्केच बताने वाला हूँ जिसे कि आप कार्टून पोर्ट्रेट बना सकते हैं और अपने किसी भी यूट्यूब की प्रोफाइल या फिर फेसबुक की प्रोफाइल या फिर व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं एकदम प्रोफेशनल की तरह। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली से इसे ओपन करना होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा तो आपको सिंपली से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू का, तो इस पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल वाला पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिल वाला पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है यहाँ पे इसको कुछ येलो कर देना है और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको नीचे की ओर इस तरह से घुमाना है अपने स्क्रीन पर और इसको कुछ गोल्ड कर देना है। गोल्ड कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको कुछ इस तरह से कर दीजिए और यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एडो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये तैयार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, सिंपली से कि आपको फ़ोटो ऐड कर लेनी है, जो भी आपको फ़ोटो लगानी है। तो सिंपली से मैंने यहाँ पे पहले से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा कि सिंपली से इसको पहले इनलार्ज कर लीजिए। इनलार्ज करके कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना है और सेट करने के बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ उसके बाद क्या करना होगा। आपको यहाँ पे एक इधर सेलेक्ट करोगे तो इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा कटआउट का, तो इस कटआउट पे क्लिक करना है और क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। देखिए एकदम आसानी से यहाँ पे फ़ोटो भी काट सकते हो। आपको अपने जो फ़ोटो है उसके किनारे एरिया पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ तक अपने तक मिला देना है जहाँ तक से आपने शुरुआत किया था। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो आपका जो फोटो है वो स्टिकर की तरह बन जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो चुका है और जहाँ पे भी छूटी हुई है तो उसके लिए आपको इस ब्रश पे क्लिक करना है और जहाँ जहाँ आपको छूटा हुआ दिख रहा है उसको यहाँ पे इस तरह से रंग देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है वो कटआउट हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हो चुका है तो इसको कुछ इस तरह से आपको मिला लेनी है और मिलाने के बाद यहाँ पे इस तरह से कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ऊपर में एक ऑप्शन देख पा रहे हैं ब्रश का, इस ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और किसी तरह से जूम कर लेना है और अपने यहाँ पे एरिया को मिटा देना जहाँ तक आपकी बाहर गई हुई इस सर्किल से। तो सिंपली से इस ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और जो भी आपको ओपेसिटी मिलानी है अपने अनुसार यहाँ पे मैनुअल मोड में कर लेना और उसके बाद यहाँ पे मिटा देना। आप इसको कुछ इस तरह से मिटा दीजिए ताकि कोई भी यहाँ पे दिखे ना, लेकिन आप इसके अंदर भी थोड़ा सा मिटा सकते हो, फिर मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो मेंटेन में हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो चुके हैं और ये जो एरिया काफ़ी ज़्यादा अंदर में टर गया तो इसे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको ये इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आर्टिस्टिक, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है बगल में ऑयल पेंटिंग, इस ऑयल पेंटिंग पे क्लिक करना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 20-18 पे रखिएगा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपके फेस कुछ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से हो चुका है, आप इसको क्लिक कर देना है टिक वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों अब करना क्या है कि आपको इधर स्लाइड करना है और यहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्ट्रोक पे, उस टाइम आपका फील पे था इस पर आपको स्ट्रोक पे रखना है और इसको ओके कर देना है और आपको कलर ब्लैक रखना है। तो सिंपली से आपको कलर जो भी चुनना है यहाँ से आप चुन सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लैक कर दिया, उसके बाद टिक करके यहाँ पे ओके कर लेना, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको भी कर लेना। तो आप इतना बार ले लियो और उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपको मिलानी है तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देना, तो हो चुका है। और यहाँ पे फिर मिटा देना ब्रश पे क्लिक करके, यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी लगती है यहाँ से ओपेसिटी आप मिला सकते हो, जो भी छोटा बड़ा करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से मिटा देना।
तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से जो आपकी जो भी कटआउट अंदर तक मिटर गई थी तो वो आपकी मेंटेन में हो चुकी है। अब उसके बाद इस पे टिक कर देना है। अब टिक करने के बाद जो फाइनल मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको फिर करना क्या होगा दोस्तों, आपको इस एफएक्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्केच मिलता है, इसके लिए आपको डेटा ऑन होनी चाहिए, तो आपको नेट ऑन रखना तभी ये काम करेगा स्केच वाला। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे आपकी स्टिकर मिल गई। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक करना है स्केच पे, और यहाँ पे आपको अपने फेस पे इसको बराबर कुछ इस तरह से कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक वाला क्लिक करना है, और जो भी आप यहाँ से मिलाना चाहते हो कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से रख सकते हो, तो मैं इतना पे कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन पे ओके कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब यहाँ पर से क्रॉप करना चाहते हो तो आप क्रॉप भी कर सकते हो, तो इसको क्रॉप कर लेना अगर प्रोफाइल लगानी है तो। और यहाँ पे क्रॉप करने के बाद इसको सिंपली से सेव कर लेना। सेव करने के बाद इस वाले एरो पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐड्स आ रही है तो इस ऐड को पूरा देख लेना। उसके बाद सिंपली से बैक कर देना, और बैक करने के बाद यहाँ पर सेव कर लेना। तो यहाँ पर आपका सेव हो चुका है। तो आशा करते हो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स मैं हमेशा लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।